सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं बात करने जा रहा हूं दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति पर। आज कई जगह अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, दिल्ली के अपने को मालिक कहने वाले अरविंद केजरीवाल जी ने ये दिया है कि हमारे प्रदूषण पे, प्रदूषण को हमने बड़ी बात लगाई है और ये काम हमने कर दिखाया। मैं एक बात सबसे पहले कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के बारे में दिल्ली के लोग अच्छी तरह समझ गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी को एक बात में महारत हासिल है और वो है चोरी और झूठ बोलने। अरविंद केजरीवाल जी चोरी और झूठ बोलने में लगता है कि कई डिप्लोमा लिए। ऐसी स्थिति में दिल्ली को फिर से भ्रम, साजिश, झूठ में फंसा करके वो नुकसान न करे, इसलिए हम समय समय पर उनकी इन बातों को, की सच्चाइयों को आपके सामने रख रहे हैं। आपको हम बताना चाहते हैं कि दिल्ली में लगातार प्रदूषण कम हो रहा है, ये बात बिल्कुल सच्चाई। दिल्ली में PM2.5 150 से कम होकर 115 हो गया है और PM10 300 से कम होकर 245 हो गया है और ये निश्चित रूप से बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि जो लोग इस दिल्ली में मिलने वाले ग्रीन टैक्स का सदुपयोग भी नहीं कर पाते, उपयोग भी नहीं कर पाते, ऐसे अरविंद केजरीवाल जी जो ग्रीन टैक्स के रूप में लगभग 2000 करोड़ रुपए आ चुके हैं लेकिन एक नया पैसा भी खर्चा उन्होंने नहीं किया। तो आपने जब ग्रीन टैक्स से आने वाले पैसे का सदुपयोग ही नहीं किया, उपयोग ही नहीं, सदुपयोग तो दूर की बात है, मेरा थोड़ा संस्कार है, मैं सदुपयोग कह दे रहा हूं, उपयोग ही नहीं किया, तो फिर ये प्रदूषण में अचानक कमी आई तो कैसे आई? अब इसमें स्पष्ट है कि दिल्ली में मूलतः नरेंद्र मोदी जी को थैंक्स किया जाना चाहिए, प्रधानमंत्री के रूप में जो 2014 से वो बैठे हैं देश के प्रधानमंत्री पद पे, दिल्ली में ही बैठते और उन्होंने, मोदी सरकार ने दिल्ली के प्रदूषण को चुनौती के रूप में लिया है और दूसरी तरफ दिल्ली सरकार खुद काम न करते हुए केंद्र सरकार के कामों का श्रेय अपने लेने में लगी हुई है, आज वो उसका प्रमाण देने बैठा। आप याद होगा आपको NH-24 का उद्घाटन, याद होगा आपको हमारे पेरिफेरल रोड्स का निर्माण, जिसके कारण हमने दिल्ली से लगभग 60,000 गाड़ियों को दिल्ली से बाहर भेज दिया। अब अरविंद केजरीवाल जी का कौन सा योगदान था उसमें? यूपीए की सरकार में अरविंद केजरीवाल जी तो उनके साथी भी थे, साथ में मिलते हुए 4 दिन की सरकार भी बनाए, फिर भी अरविंद केजरीवाल जी बताएंगे कि वर्षों से जो सड़क लंबी थी वो बनती क्यों नहीं? आप दिल्ली के लोग सिर्फ कल्पना करें कि 60,000 से ज्यादा गाड़ियां, ट्रक, धुआं फैलाते ट्रक बिना किसी जांच के और दिल्ली के बीच से आते जाते थे, नरेंद्र मोदी जी का सड़कों पे चलते हुए इस NH-24 को 14 से 18 महीनों में बनाना और 60,000 गाड़ियों को दिल्ली से दूर करने का हमको अब परिणाम मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी आप बताइए कि क्या आपने प्रदूषण को कम करने के लिए कोई ऐसा काम किया जिसका इश्तहार देके भी बताए होते? नहीं किया। दिल्ली सरकार
चोरी और झूठ की विसाख पे दावेदारी करने आ जाती है। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि दिल्ली में यातायात, उद्योग, भवन निर्माण, कपड़ा जलाने के अलावा अन्य कारणों से जो प्रदूषण बढ़ता है और दिल्ली की आबोहवा खराब होती है, उसके खिलाफ मोदी सरकार ने 2014 से ताबड़तोड़ उपाय किए। उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिल्ली, आपको याद होगा, मेरे मीडिया के भाई बहनों के अलावा दिल्ली आपको याद दिलाना चाहता हूं, बदरपुर का पावर प्लांट कोयले से जल सकते थे और कहा जाता था कि जो एक दिन में जो 200 ट्रक मिलके प्रदूषण कर सकते हैं वो वहां आधे घंटे में 30 मिनट में बदरपुर प्लांट से कोयले जलाने की कारण होती थी। इन लोगों ने कुछ नहीं किया। 2014 के बाद हमारी मोदी सरकार ने उस प्लांट को बंद किया और गैस से चलने वाले प्लांट को बवाना भी किया। आप स्वयं बताएं अरविंद केजरीवाल जी का इसमें क्या योगदान था? कुछ भी नहीं। गैस पे चलने वाला प्लांट धर्मेंद्र प्रधान जी की मंत्री से हुआ। और इसके बाद एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं, पहली बार 2014 के बाद दिल्ली में इस नियम को कड़ाई से लाया गया कि अगर कोई बिल्डिंग बनती हो या गिराई जाती हो तो उसके किनारे पर्दे लगाए जाए। ये काम भी मोदी सरकार ने, पहली बार ऐसा हुआ कि निगमों को ऐसी गाड़ियां दी गई जो कि वैक्यूम से गंदगी को, धूल को और तुरंत वहीं से ले करके और फिर उसको सही जगह पे डिस्पोज करती है। ये मशीनें जितनी संख्या में खरीदी गई है, मैं दिल्ली के लोगों को प्रार्थना करता हूं, आपको आते जाते सड़कों पे गाड़ियां दिखती भी होगी जिसके कारण हमने सड़कों के इस प्रदूषण को कम किया। आप लोगों को 135 किलोमीटर का स्टंट पे फेरवे जो गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, पलवल, कुंडली से जाता है मोदी सरकार बना रही है। 135 किलोमीटर का वेस्टर्न पेरिफेरल वे जो कुंडली, बहादुरगढ़, रुकना, पलवल का निर्माण करवाया है और मेरठ एक्सप्रेस वे के चरण का निर्माण पूरा हो गया, दूसरे चरण का निर्माण अभी 4 महीनों में पूरा हो जाएगा। इन सारी चीजों में अरविंद केजरीवाल जी आपका किधर योगदान है हम जानना चाहते, भारतीय जनता पार्टी जानना चाहते। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात हम आपसे बोलने जा रहे हैं, ईंट भट्टे का एक बहुत बड़ा योगदान था दिल्ली के प्रदूषण में। ये कुछ भी कार्रवाई करने के लिए आगे नहीं बढ़े। हम लोगों ने ईंट भट्टे में जिगजैग पद्धति आई और उस जिगजैग पद्धति से हमने ईंट भट्टों से होने वाले प्रदूषण को भी दिल्ली में कम किया। आपको जो सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग थे जो बार बार कहने से नहीं मानते थे, अगर उनको थोड़ा दंडित भी करना पड़ा तो उसके लिए भी दिल्ली को बचाने के लिए एक्शन लिया गया। लेकिन इस समय भी जब हम आपसे पीसी कर रहे हैं, हम आपको प्रार्थना करते हैं मीडिया से कि आप सोनिया बिहार में जाकर के वहां जाकर उन फैक्ट्रियों को, जो दर्जनों फैक्ट्रियां चल रही हैं जो दिल्ली सरकार चला रही है, उस पर अरविंद केजरीवाल ने कोई दिल से नहीं किया। और आम आदमी पार्टी के लोग उन ऐसी फैक्ट्रियां जो लगातार पोल्यूशन फैला रही, वो मेरी लोकसभा है, लगातार मैंने एक बार बंद कराया, उसके बाद भी वहां आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के मिली भगत से ऐसी फैक्ट्रियों को चलाया जा रहा। और आप एक इश्तहार छापने के लिए आ जाते हैं नरेंद्र मोदी जी के कार्यों का श्रेय लेने, तो हमें ये बातें आज बतानी पड़ रही। मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहता, मैं 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं। BS4 BS6, आप देखिए दिल्ली में जो पेट्रोल BS6 पेट्रोल डीजल मिलना चाहिए उसकी शुरुआत हम लोगों ने यहां की है, जिससे एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। और हमारा एक टाइम दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल, इसलिए मैं उसको एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड पढ़ना चाहता हूं।
किसानों के लिए BS4 और BS6 की टेक्नोलॉजी के लिए भारत सरकार ने 60,000 करोड़ रुपया निवेश किया और उसमें आम आदमी पार्टी का कोई भी योगदान नहीं है साथ। हमने ये काम करते हुए और BS6 कंप्लायंट वाहन 1 अप्रैल 2020 से शुरू हो जाएंगे दिल्ली में, हमने वो प्रक्रिया भी कर ली है। हम आगे के लिए भी जो कर रहे हैं वो भी आज आपको थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। BS6 कंप्लायंट वाहनों के लिए पेट्रोल भी आज से मिलना शुरू हो गया है। ये इतनी बड़ी कवायद है मोदी सरकार की, जिसके बल पे हम वाहन प्रदूषण में आने वाले समय में 80% की कमी करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें दिल्ली के बच्चों की, दिल्ली के लोगों की, महिलाओं की, युवाओं की, दिल्ली के वासियों की स्वास्थ्य की चिंता है मोदी सरकार। इन सारी चीजों में कई बात को, चूंकि उनको डिप्लोमा है वो झूठ बोलने और चोरी में, तो चोरी का मतलब मेरा देखिएगा, चोरी कई जगह से हो रही है, संसाधनों की चोरी, धन की चोरी, भ्रष्टाचार और आइडियाज की भी चोरी और दूसरे किए गए कार्यों की भी चोरी। इसलिए मैंने शब्द राज बोला है, बड़ा सोच समझ के बोलने लगा हूं। दिल्ली सरकार ने 5,000 बसों को खरीदने की बात की थी। अब मैं आता हूं जो दिल्ली को करना था और उन्होंने क्या किया। 5,000 बसें इलेक्ट्रिक खरीदनी थी, मुझे लगता है अभी तक शायद 25 से 50 आई है, 25 ही आई जी, तो वो भी क्लस्टर में। आप बताइए, आप जो काम कर सकते थे, जिस काम पे आपको सीधे आपने कहा था इलेक्ट्रिक बसें ला देते और जो ये धुआं वाली बसों को थोड़ा हटाते, जैसे CNG की बसें आने से जो फायदा हुआ था, जो आपके पहले लोगों ने किया, जो अटल जी ने शुरुआत किया, अगर उसमें आप 5,000 कह के अरविंद केजरीवाल जी अगर 2,500 भी ला देते ना, तो आपको हम थोड़ा सा ऐड करने के लिए छूट दे देते। हालांकि अभी भी आपका हाथ नहीं पकड़े हैं, आपको जितना छूटा चाहता हूं चाहते, तो आपने नहीं किया। दूसरा पॉइंट, आपको क्या करना था, आपको चौथा मेट्रो फेज को शुरू करके दिल्ली को प्रदूषण मामले में बड़ी राहत देनी थी, लेकिन आपने तो जैसे मेट्रो के एकदम ड्राइवर के डब्बे में बैठ के उसको रोक ली, गिरने नहीं दूंगा मैं, यहां तक रोके कि आप जब नरेला और गांव में जा रहे हैं तो आपके लोग काला झंडा दिखा रहे हैं, काली लेके तैयार है आपके मुंह में बोलने के लिए, और तब आप उनको गालियां देते हैं, बर्बाद कर दूंगा, जेल में डाल दूंगा, ये कर दूंगा। तो जो व्यक्ति मेट्रो को भी चौथा फेज नहीं शुरू होने देते हैं, उनका कौन से चेहरे से वो पोस्टर पे और अखबारों में ऐड दे रहे हैं, दिल्ली के खजाने का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये सरासर झूठ है और इसको हम आज उजागर कर रहे हैं। दो पॉइंट और, मोदी सरकार की पहल पर हमने दिल्ली में ई वाहनों की शुरुआत की। ई वाहन से चले तो लोग प्रदूषण में कमी आए और उसका आज हमको ये रिजल्ट मिल रहा है। हमने ई वाहनों के लिए सब्सिडी भी दी है, टैक्स में टैक्स सब्सिडी दी है, और जो सड़कों पे सफाई करने वाली चीजें मशीनें हैं उसमें ऐसा है कि पहले पानी छिड़को फिर उठाओ, जिससे धूल का फैलाव नहीं होता है। ये सारी चीजें हमारी नगर पालिका परिषदों ने किया है और ऐसे में हम ये बात आपके सामने रखने बैठ गए हैं। अभी भी मैंने जैसे आपसे प्रार्थना किया, क्योंकि मैं सोनिया बिहार में लगातार 8 से 10 ऐसी फैक्ट्री जो बदरपुर की फैक्ट्री की तरह ही जहर घोल रही है दिल्ली में, उस पर तो आप कार्रवाई कर दे रहे हैं। हम तो समझते हैं ऐसी फैक्ट्रियों पर छापा मारने की भी जरूरत है, हम लोग कम से कम चल के दिखा तो सकते हैं, क्योंकि मीडिया बहुत शक्तिशाली है और मीडिया के आंखों से जब कोई चीज आता है तो बचना उसका मुश्किल है। ऐसे में मोदी सरकार
ये अच्छे कार्यों की जो चोरी कर रही है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी, उनके लिए आज हमें सबक देना चाहते हैं। करना है तो कुछ जमीन पे करो, दूसरे के कार्यों का, मोदी सरकार के कार्यों का सिर्फ श्रेय मत लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी, जो बचा हुआ समय है थोड़ा सा ऐसा काम करो कि लोग आपको विदाई के समय कम से कम हाथ हिला के कह सके चलो ठीक है, भविष्य में फिर कभी सोचेंगे। एक और बात करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। दिल्ली में कचरे से बिजली बनाने के लिए भी 3 प्रोजेक्ट हमने शुरू किए वेस्ट मैनेजमेंट। इन सारी चीजों को, यहाँ तक कि हम इस पीसी में सारी बातें नहीं कहना चाहते, बहुत लंबा होगा, लेकिन हम आपको डिटेल्स भेजेंगे कि जो निगम वेस्ट मैनेजमेंट कर रही है इन सारी चीजों के साथ, एक बार अपने चोरी और झूठ का भारत हासिल किए अरविंद केजरीवाल जी से मेरी प्रार्थना है कि कृपया मोदी सरकार के कार्यों को अपना मत बताइए, और कुछ कर सकते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि हम मोदी सरकार कभी आपको रोकने वाले नहीं है। अभी भी समय है, 2-3 महीना जितना कर सकते हो करो। जनता तो पूछ ही रही है कि मोदी जी को आप भी है फिर कैसे कर रहे हैं, आप करो जरूर, यही हमारी शुभकामना है। और अंतिम में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली सरकार को प्रदूषण कम करने के लिए जो आदेश दिए गए हैं दिल्ली सरकार ने उसका पालन नहीं किया है, उसको करिए। इन जानकारियों के साथ मैं एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जी को ये चेताना चाहता हूँ कि आप अपने काम करें, मोदी सरकार के काम को अपना मत बताएं। हम प्रदूषण कम करने के लिए कल भी तत्पर थे, आज भी तत्पर है, और आने वाले समय में पूरी शक्ति लगाकर दिल्ली के लोगों को इस प्रदूषण को और कम करने में अपनी पूरी कार्रवाई से लगे।